फ्रेंड्स वेलकम बैक. तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है कश्मीर फाइल्स इज नॉट जस्ट अ फिल्म. ऑब्वियसली ये तो हमने भी बहुत बोला है, एक फिल्म नहीं है तो रियलिटी है. द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री. तो चलो फ्रेंड्स पहले वीडियो देखते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. डू नॉट वॉच द कश्मीर फाइल्स. व्हाई? क्योंकि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं. ना ही इसमें कोई हीरो है, ना ही उसका किसी हीरोइन के साथ रोमांस. हर 10 मिनट के बाद इस फिल्म में गाने नहीं है और तो और किसी टॉक शो ने इसे प्रमोट भी नहीं किया. सो बेसिकली द कश्मीर फाइल्स इज नॉट वर्थ योर टाइम. राइट? ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है. कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म है या नहीं आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फिल्म है ये मैं जरूर बता सकता हूँ. आज का वीडियो बनना चाहिए या नहीं इसके बारे में मैंने बहुत सोचा. ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट. क्यों? इस वीडियो के एंड तक आप समझ ही जाएंगे. बट आई फेल्ट ये वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि द कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच है जो आप तक पहुंचना जरूरी है. और वो सच ये कि हम एक कंफर्टेबल दुनिया में रहना चाहते हैं. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी. इस नारे पर हम विश्वास रखते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ नहीं भरते. द कश्मीर फाइल्स दो दिनों की कहानी. एक आज का दिन जिसमें आप और मैं जी रहे हैं और दूसरा वो दिन 19 जनवरी 1990 जिसमें कश्मीरी पंडित आज भी जी रहे हैं. वो दिन जिस दिन उन्हें अपने ही घर से बंदूक की नोक पर धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया. लेट मी टेल यू द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं बल्कि सारे के सारे विलन्स. सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रही, एक्सक्यूजेस देने लगी. मीडिया में विक्टिम्स को ही उनके कंडीशन का जिम्मेदार ठहराया गया. पुलिस उनकी आंखों के सामने क्राइम होते देखती रही और हम सब लोगों ने 30 सालों के लिए सच से मुंह फेरा. आज का यूथ आपकी और मेरी तरह जो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है लेकिन वो कंफ्यूज्ड क्योंकि हम आर्गुमेंट की दोनों साइड समझने में विश्वास रखते हैं. जिन लोगों से हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं और इसी मौके का फायदा लेकर समाज के कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें हमारा ही इतिहास भूलने पर मजबूर कर देते. तो कश्मीर फाइल्स एक रिमाइंडर है कि पूरी दुनिया इनोसेंट नहीं. सच की तलाश हमें खुद करनी होती है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है. कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, कश्मीर फाइल्स इज अ म्यूजियम. इस फिल्म के कुछ इंसिडेंसेस इतने शॉकिंग है कि देखने पर लगता है कि कोई इंसान अपने पड़ोसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है. लेकिन फिल्म मेकर उसी सीन के साथ रियलिटी में क्या हुआ था इसका भी प्रूफ आपके सामने रखता है. ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. मुझे लगता है कि आर्ट का सोसाइटी में रोल यही होता है. आर्ट सच आपके सामने लाता है भले वो कितना भी कड़वा क्यों ना. लेट मी एक्सप्लेन. शिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म है जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की जो हॉलोकॉस्ट में फंसे जूस और पोलिश लोगों के बारे में. इसे अकेडमी अवार्ड मिला था और IMDb पर जाए तो आज भी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज एवर मेड की लिस्ट में आती है क्योंकि सिनेमा का इस्तेमाल करके फिल्म मेकर इतिहास को जिंदा रखता है, उस जनरेशन तक जूश लोगों की पीड़ा को पहुंचाता है जो लकीली आज वो एक्सपीरियंस नहीं करने. Please do not allow the Holocaust to remain a footnote in history. Please teach this in your schools. मैं जूश लोगों को सल्यूट करता हूँ क्योंकि दूसरे महायुद्ध के इतने सालों बाद भी उन्होंने अपने सच को जिंदा रखा. क्यों? आज तो नाजी चले गए हैं, आज हॉलोकॉस्ट नहीं है. फिर क्यों इसके बारे में बार बार बात होती? क्योंकि वो इस बात में विश्वास रखते हैं, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट. एज इंडियंस हमें भी ये करने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि इसमें कोई शर्म नहीं. द कश्मीर फाइल्स को मैं एक फिल्म नहीं मानता क्योंकि द कश्मीर फाइल्स वो आक्रोश है जिसे 30 सालों के लिए मीडिया ने बेड के नीचे खिसका दिया था, 30 सालों के लिए डाउन प्ले किया था जो आज उभर कर आ रहा है. द कश्मीर फाइल्स इज नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस. आपका पता नहीं लेकिन मुझे फिल्म से पहले कुछ सेकंड्स के लिए राष्ट्रगीत में खड़ा रहने से कोई हर्ज नहीं. इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता. जैसे स्कूल में हम सारे डिफरेंसेस बुलाकर जन गण मन गाते थे तो एक फीलिंग आती थी कि हम सब एक हैं. वैसे ही मुझे फीलिंग आती द कश्मीर फाइल्स जब मैंने थिएटर में देखी तब सब लोग राष्ट्रगीत के लिए सिर्फ खड़े नहीं हुए, वो गाने लगे. क्यों? क्या उन्हें किसी ने 200 रुपए दिए थे, बिरयानी दी थी या पॉपकॉर्न फ्री में खिलाए? वो आवाज दिल से आ रही. ये कहते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तब मुझे एक सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस हुई. आज का सच ये है कि लोगों को अपने घर से निकालकर 500 रुपए खर्च करके सिनेमा हॉल तक लेके जाने के लिए टैक्टिक्स खेलने पड़ते. टॉक शोज में जाना एक फॉर्मूला, हीरो हीरोइन के बीच अफेयर की न्यूज फैलाना एक फॉर्मूला, पैसे देकर ट्रेंड्स चलाना एक फॉर्मूला, लेकिन बिना फेक हाइप के सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर लोगों को सिनेमा घर तक पहुंचाना एक अचीवमेंट. आपका पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी मूवी वही होती है जो ऑडियंस को मूव करे और इस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल है. अब वापस आता है उसी सवाल पर कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल क्यों था क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मैं सो नहीं पाया. पूरी रात पढ़ता रहा कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ. मेरा खुद से और मेरे देश से एक ही सवाल था कि ये फिल्म बनने के लिए 30 साल क्यों लगे. कश्मीरी पंडितों की कहानी हम तक पहुंचाने के गट्स आज तक किसी भी स्टार ने क्यों नहीं दिखाया. क्या वो कहानी सच्ची नहीं थी? क्या वो लोग उनके अपने नहीं थे? किस बात का डर था?
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्म्स हमारे भारत में बनती है, वही घिसी पिटी कहानी बार बार रिसाइकल करके हमें दिखाई जाती है। तो ये कहानी छुपाई क्यों गई? क्या इस पर रिसर्च करना किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा? इन दी एंड मुझे यही कहना है कि जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में पता है उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए, और जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में नहीं पता उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए और खुद को सवाल पूछना चाहिए, क्या ये रिएक्शन, ये आंसू प्रोपेगेंडा है या एक ऐसा सच है जो पिछले 30 सालों से अंदर ही अंदर घुटा हुआ। एक फिल्म का पर्पस व्हाइट वॉश करना नहीं होता, बाउंड्रीज को पुश करना होता। 12 Years a Slave देखिए, Life is Beautiful देखिए। ये फिल्म स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये फिल्म पर्दे से बाहर आकर आपको ऑडियंस को एक सवाल पूछती। The things that you are just uncomfortable watching on screen are the things these people actually went through. The Kashmir Files भी यही करता है। आपको एक सवाल पूछता है कि सच पर पर्दा डालने की आदत हम कब छोड़ें? So do not watch the Kashmir Files अगर आपको व्हाइट वॉशिंग पसंद है। Do not watch the Kashmir Files अगर आप एक डिस्टर्बिंग सच देखने की हिम्मत नहीं रखते। Do not watch the Kashmir Files अगर लोगों का दर्द देखने की ताकत आप नहीं रखते। But do watch the Kashmir Files अगर आपको भी लगता है कि सब लोगों की तरह इन लोगों को भी अपनी कहानी सुनाने का हक है। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स ब्यूटिफुली सेड, और यही हमारे थॉट्स थे। और मुझे याद है कि हमने जब कौन सी मूवी थी, फिर भूल गई यार, उनकी थी जो, फिर से नाम ही भूल गई, जो मूवी बनाई थी और हमें लगा था कि एक्चुअली में ट्रू स्टोरी होगी, शिकारा, हाँ शिकारा थी शायद। तो उसका जब ट्रेलर देखा था, उसके बाद मूवी भी देखी थी हमने, तो हमें लगा था ये ट्रू स्टोरी होगी, बताएगी, तो उसके बाद पता चले तो रोमांटिक स्टोरी है। और उसके बाद अब आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये मैम स्टोरी जो है तो बेकार है, जो विवेक जी बनाएंगे वो आप देखना, वो ट्रुथ की होगी। तब से हम अब तक वेट कर रहे थे कि कब बनेगी, कब बनेगी, और इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके सामने कि वो अब जाके बनी है। तो उसके बाद आज पता चल रहा है कि ट्रू स्टोरी क्या थी, असलियत क्या थी, और हिम्मत किसने दिखाई ये बनाने के लिए, वो भी आज दिख रहा है। तो बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है कि अब आ रहे हैं ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो ट्रुथ को दिखाने में घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे। और इसकी एक वजह जो है आज की गवर्नमेंट है, क्योंकि कई जगह पे आपको सुनने को भी मिला होगा कि वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस होती आज के टाइम में ये मूवी कभी भी रिलीज नहीं हो पाती, और वो बिल्कुल सच्चाई है। और हमने एक वीडियो भी की है जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो विवेक जी हैं और सब जो हैं वो खास गए हैं, मोदी जी ने उनको, उनसे मिले हैं वो, मतलब मोदी जी ने भी मूवी देखी और उनसे मिले वो, और उन्होंने बोला भी मतलब उस टाइप से कि भैया बहुत अच्छी मूवी है। तो इससे ज्यादा मतलब कौन, मतलब आपको क्या सर्टिफिकेशन चाहिए कि भैया दिस मूवी इज फैंटास्टिक। जो बॉलीवुड वाले हैं वो चुप है, कोई उनका सपोर्ट नहीं आ रहा, पर मैं कह रही हूं देखना धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि अब वो पब्लिक से डरेंगे, उनको पब्लिक की आवाज सुनने को मिल रही है। अब वो घबराएंगे कि कहीं हम ना बोले तो हमारी मूवी जो है, जो आने वाली है, वो फ्लॉप हो जाएंगी। और देखना सबसे पहले वही एक्टर्स आएंगे जिनकी मूवीज अभी रिसेंटली में अभी निकलने वाली, रिलीज होने वाली है। और अगर मेरी बात ये सच हो गई, आपको पता चल जाएगा ये एक्टर्स किस टाइप के हैं। तो मैं बोल, कड़वी बात है पर सच्ची बात बोल रही हूं, कि अगर आपने मूवी के प्रीमियर के टाइम कुछ नहीं बोला, आपने इतनी देर तक नहीं बोला, जब आपने ऑडियंस को देखा, और खासकर जब आपकी मूवी रिलीज होने के टाइम के पास है, तब आप बोल रहे हो, तो आपको उन्होंने लोगों के बारे की बारे में सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। पर जो भी है, ये मूवी हमने हिट करानी है। और आप लोगों के सबके क्वेश्चंस है कि भाई आप कब देख रहे हो, तो हम एक या दो दिन में डेफिनेटली देख रहे हैं। हमने एक और वीडियो की है, तो वो दूसरे चैनल पे होगी इसी से रिलेटेड, उसमें भी मैंने बताया है कि हमारे यहाँ पे थिएटर्स जो हैं हिंदी मूवी वाले कोई नहीं है, तो हमें दूर जाना पड़ेगा। तो स्पेशली पहले हम जाएंगे, टिकट लेंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर अगले दिन जाके खास देखेंगे, क्योंकि हमें अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा कि ऋषि का क्या करें जब हम मूवी देख रहे हैं। पर देखनी जरूर है, ये तो है, और पता भी है कि रोना बहुत आएगा, पर फिर भी देखनी है। राइट राइट, देखिए जो भी लोग देख के आ रहे थे उनका रिएक्शन देखने वाला था, और बहुत लोगों ने अपने रिएक्शन में कहा था, उनका जब पूछा गया था कैसी लगी आपको मूवी, उन्होंने कहा मूवी नहीं है, मूवी नहीं है। लोग ही बोल रहे हैं कि बॉस इसको मूवी मत बोलो, ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी में हुआ था। और कितने सारे लोगों ने रिएक्शन दिया था कि भाई मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ दिखाया, हमारे साथ जो हुआ था, एक लेडी कह रही थी कि जब मैं मतलब कॉलेज में थी या स्कूल में तब मेरे साथ हुआ टेंथ क्लास में थी, तो ये सब हमने देखा है, मुझे याद आ गई। सोचने वाली बात है कि ये कितना इम्पैक्ट है, और लोगों ने अभी भी इसको प्रमोट नहीं किया, दुख की बात है।
अच्छी बात है कि आज की गवर्नमेंट है जिसने सपोर्ट दिया है अपना, और मोदी जी ने उनको बुला के ये अपना काइंड ऑफ वो दिया है सपोर्ट कि हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ उस मूवी से, बहुत अच्छी है। दुनिया का परवाह नहीं कि बॉलीवुड गया भैया, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और बहुत ही बड़ा उन्होंने मतलब गट्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट काफी समय पहले शुरू कर दिया होगा बनाने में, उनके होगा मन में मैं बना के छोड़ूंगा, तो वेरी नाइस हर जगह। और ये सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब तभी होता, अगर दूसरी गवर्नमेंट थी तो कभी रिलीज नहीं होती। अगला बंदा कहता मैंने बना भी दी कोई देख ही नहीं सकता तो फायदा क्या है। और इस पे सभी लोगों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि बुरे लोग तो थे, क्या उनको पनिशमेंट मिली? नहीं मिली तो मिलनी चाहिए। क्या उन बुरे लोगों को किसी ने ढूंढा और उनको प्रोसिक्यूट किया? ये सब होना चाहिए था, एक एक को पकड़ के पनिशमेंट, कोई भी बचना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने किया क्या, आपने सुधार कैसे किया, और होपफुली अब जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कश्मीरीज को वापस लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा हो, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जो कहे हम आपको लेके जाएंगे, हम ढूंढेंगे आपका घर क्या है, हम ठीक करवाएंगे, आपको वापस लेके जाएंगे, आपको हरजाना देंगे। ऐसा कुछ फंड होना चाहिए कि जो गलत कार्य थे उसका बिल्कुल ठीक होगी गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट हेल्प करेगी ये सब रिवर्स करने के लिए। मैं एग्री नहीं करती कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नहीं, अगर उस कल की बात को अभी तक जस्टिस नहीं मिली तो वो अभी पुरानी नहीं हुई, उसको जस्टिस मिलेगी, जब सब कुछ ठीक होगा तब हम उसको छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।